नमस्कार, आप देख रहे हैं एमयूजेड न्यूज और मैं हूं श्रृंखला प्रियदर्शनी। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने किया ऐलान, 12 फरवरी 2019 को राज्य स्वास्थ्य समिति करेंगे पूरे बिहार के आउटसोर्सिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर का घेराव। पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर विगत 8 जनवरी से बैठे हैं हड़ताल पर, सरकार और स्वास्थ्य विभाग से लगा रहे हैं गुहार। हम लोग आउटसोर्सिंग कंपनी के तहत हम लोगों को बहाल किया गया था आज से 5-6 साल पहले। हम लोग 5 साल से लगातार सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में काम करते आ रहे हैं। सरकारी काम, अस्थाई प्रवृत्ति का काम हम लोग करते आ रहे हैं पाँच साल से लगातार। हम लोग विगत 8 फरवरी से हम लोग अपने मांगों को लेकर के धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोगों को राज्य स्वास्थ्य समिति या जिला स्वास्थ्य समिति में समायोजित किया जाए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको जो सरकार हम लोगों के लिए पैसा देती है वो पैसा हम लोग को डायरेक्ट दे चुकी है। हम लोग काम कर रहे हैं सरकार का, हमको पैसा वो मिलना चाहिए, हमारा पैसा और किसी को नहीं मिलना चाहिए। हम लोग पूरे बिहार में 3300 के करीब डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में जिला से लेकर के प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत है। हम लोग हड़ताल 8 जनवरी से लगातार अभी तक हड़ताल पर हैं, और अगर हमारी बातों को सरकार नहीं मानती है तो हम लोग अपना कार्यक्रम रखे हैं, 12 तारीख को राज्य स्वास्थ्य समिति का घेराव करेंगे। अगर फिर भी हमारा समायोजन नहीं होता है तो उसी दिन से हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे और सारा चक्का जाम कर देंगे, सरकार का कोई काम नहीं होने देंगे। मेरा नाम बलराम कुमार, जिला संयोजक नालंदा से हम। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए एमयूजेड न्यूज़, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।